पर्यटकों की किसी भी तरह की शिकायत उनको नहीं मिल रही है, क्या ऐसा सच में है या सरकार के कान बंद हो गए हैं कि उन तक शिकायतें नहीं पहुंच पा रही हैं? पहले तो इंडिया न्यूज वालों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, एक बढ़िया डिबेट कॉन्क्लेव उन्होंने यहाँ पर करवाया है और उत्तराखंड में मुझे लगता है पहली बार हो रहा होगा। उत्तराखंड में तीर्था और पर्यटन दोनों होता है जी, और दोनों की बड़ी संभावनाएं उत्तराखंड में हैं। देश विदेश के बहुत सारे लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, जो पहाड़ की वादियाँ हैं, जो उत्तराखंड का सौंदर्य है उसको देखना चाहता, करीब से देखना चाहता है। परंतु इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज भी सुविधाओं की कमी है। अगर यहाँ पे रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन का ठीक से साधन हो जाए, यहाँ पर लोगों के लिए जो है सुविधा अगर मिल जाए, या एम्बुलेंस लोगों को मिल जाए, होटल्स अगर ठीक हो जाए, तो पूरी दुनिया का टूरिस्ट यहाँ पर आ सकता है। और यहाँ पर तो पंचबद्री और पंचकेदार है जिनका पूरी दुनिया में महत्व होता है। बाहर का आदमी जब उत्तराखंड में आता है तो इस माटी को माथे पे लगाता है कि मैं उत्तराखंड में जाऊंगा तो ये मोक्ष की भूमि है, ये देवभूमि रही है, और पूरा ग्रंथों में इसका जिक्र भी है। कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब स्वर्ग को गए तो बद्रीनाथ से ही स्वर्गारोहणी से जो है वैकुंठ को गए हैं। तो ये ऐसी भूमि है, ऋषि मुनियों ने भी यहाँ पर तपस्या की है और बहुत लंबा चौड़ा इतिहास यहाँ का रहा है। परंतु सुविधाओं की आज भी कमी है। मंत्री जी कह रही थी कि 13 जिलों में 13 डेस्टिनेशन बनाए हैं। मैं तो ये कहता हूँ हम लोग बोलते जाएं डेस्टिनेशन बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम रोजगार देंगे, पर देंगे कब? बोलेंगे परंतु तारीख कब बताएंगे? राम मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं देंगे, रोजगार देंगे तारीख नहीं बताएंगे। अरे भाई देश को एक बार बताओ तो सही, तुम यहां पर जो है। नहीं, अब तो सरकार की तरफ से भी आ गया, मोदी सरकार की तरफ से नौकरियां नहीं दे सकते वो इतनी जितनी बोली थी। क्या अब तो मोदी सरकार ने भी मान लिया कि नौकरियां नहीं दे सकते वो? नहीं नहीं, मोदी जी ने तो कहा है कि इतनी नौकरियां हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनके मंत्री जी कहते हैं अभी अभी कि देश में क्या करोगे रिजर्वेशन का, यहाँ तो रोजगार ही नहीं है, यहाँ तो नौकरी नहीं है। लेकिन भंडारी बताइए सरकार में कौन सही बोल रहा है, कौन? लेकिन आपकी सरकार भी इतना अच्छा करती तो आपके जो मुख्यमंत्री रहे थे दोनों सीटों से नहीं आते, उनको भी बेरोजगार कर दिया आपकी जनता ने। हमारे तो मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने वो काम किया है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। दोनों जगह से रावत जी ने वो काम किया है। मैं आपको रोजगार मेरे आप बड़े हैं, मैं आपको ज्यादा टोकना नहीं चाहता। हरीश रावत जी दो सीटों से चुनाव लड़े और आपका उसका रिजल्ट हमारे सामने है, वो दोनों सीटों से चुनाव हार गए, बेरोजगार बना दिए पूरी तरह। ये विडंबना ही है। हरीश रावत जी दोनों सीटों से चुनाव लड़े, भुवन चंद खनोड़ी जी मुख्यमंत्री थे, कोरद्वार से क्यों 10,000 वोटों से हार गए? इसका जवाब है तुम्हारे पास? जी बताइए ना, आप भी जानते हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री जो कहता था कि मैं 5 साल और सरकार बनाऊंगा, जरूरी है, जरूरी है, हार गए बताइए ना। हरीश रावत किया, जवाब क्यों नहीं देते? और उन्होंने पूरी पार्टी को, भाजपा के लोग पहले स्पष्ट कर लें कि तुम लोग जो है यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी को जो बसगिरी है, आप भी उस कमरा उस कमरा तीन घंटा ले आप भी उसी पार्टी से हमारे सकते हैं जो ऑनर को कहा गया कि भाई तुम जात वहाँ भेजो, उन्होंने कहा हमारा भुगतान करो हम नहीं जाएंगे। हमारे दोनों की सुनूंगा मैं, एक सेकंड आप दोनों की सुनूंगा, एक मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। रेखा जी एक मिनट, हमारी पार्टी क्या कर रही है, थराली चुनाव से लेकर जितने भी उपचुनाव हो, चाहे पंचायती चुनाव हो और चाहे वो अन्य चुनाव हो, सभी में जीत हासिल करी। अरे क्या ये, अरे जब हमारी सरकार थी तो जो बाई इलेक्शन हुआ हम जीते, तुम तो 1800 वोट से जीते, तुम्हें तो शर्म आना चाहिए, पानी में डूब जाना चाहिए तुमको। जिस सरकार का जी बिचारी विधायक मर गया सिंपथी के लिए, जिनको 40,000 वोटों से जिनको जीतना चाहिए था वो 1800 वोट से जीत रहे, उसको उपलब्धि बता रहे हैं आप अपनी? भंडारी जी अभी सुरेंद्र राकेश जी तो एक वोट से भी होती है, पत्नी 40,000 से जीती है, और तुम 1800 वोट पर तालियां बजा रहे हो। भंडारी जी क्या धन बल तुम्हारा चला है? क्या सरकार का मंत्री, सेंटर का मंत्री वहाँ डेरा डाल के बैठ गया? मुख्यमंत्री जी ने डेरा डाल दिया और 1800 पार्टी के कार्यकर्ता है तो डालेंगे ना। हमारी मुख्यमंत्री पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे, आपकी पार्टी की तरह गुटबाजी नहीं हमारी पार्टी में। अरे हमारी पार्टी में गुटबाजी, आपकी गुटबाजी है हमारी पार्टी में, क्या करोगे आप बताओ? करने का क्या है हमारी पार्टी में? मुख्यमंत्री का हमारी पार्टी में है गुटबाजी, का साधारण कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता चुनाव में काम करेगा, इसमें आप हमें नहीं रोक सकते बिल्कुल। हमारी पार्टी के अंदरूनी मामले से तुम्हें चुनाव में काम करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता को चुनाव में काम करने का हक है। कितना बेहतर काम कर रही है,
ये थराली से लेकर जितने उपचुनाव जब पंचायती चुनाव हो वो अपने आप में जीत अपने बात आनी चाहिए बात आनी चाहिए ये सारे उपचुनाव जीते हैं ना एक मिनट एक मिनट ये सारे उपचुनाव जीते हैं तो योगी जी लोकसभा की सांसद की सीट कैसे हार गए हैं फूलपुर कैसे हार गए हैं कैराना कैसे हार गए हैं जरा बताइए मंत्री जी जनता को बताइए ना जरा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपनी लोकसभा की सीट नहीं बता सकते हैं आपका विषय उत्तराखंड को लेकर है यदि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे तो पहले इसीलिए क्योंकि आप इधर उधर भटके हुए हैं इसीलिए उत्तराखंड में आप संभले नहीं हुए।